नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे मझगांव डक और कोचीन शिपयार्ड के बारे में। दोस्तों, दोनों कंपनी की बात करें तो हालांकि देखिए कोचीन शिपयार्ड में कुछ इन्वेस्टर हो सकता है कि परेशान हो, लेकिन मझगांव डक की बात करें तो फुल हरियाली में देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक दिखा तो आज के दिन भी लगभग 12-13% स्टॉक ने तेजी दिखाया है। वो भी दोस्तों अभी जो हमारा मानना है, हालांकि देखिए सबसे पहले बताना चाहते हैं कि इस कंपनी से रिलेटेड हमने 5-6 दिन पहले ही वीडियो बनाया था, जो कि आई बटन पर लेकर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहीं पे कोचीन शिपयार्ड की बात करें दोस्तों, तो इससे रिलेटेड भी हमने कई बार वीडियो बनाया है। हालांकि दोस्तों हो सकता है कि अगला जो एचएलए है दोस्तों, एचएलए की बात करें तो वो इस समय बहुत बड़ी कंपनी है। हालांकि मझगांव डक की बात करें तो ये भी जो है कि डिफेंस सेक्टर में बिलोंग करती है। वहीं पर दोस्तों जो यूएस की बात करें, यूएस के साथ जो कि इस समय जो भारत का डील होने वाला है, तो उसको देखा तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली एचएलए को फायदा होगा। लेकिन हाँ, ये छोटी मोटी कंपनियां भी दोस्तों डिफेंस सेक्टर वाली जितनी भी इसके नीचे आएंगी दोस्तों, सबको जो है कि डायरेक्ट इनडायरेक्टली फायदा होने वाला है। हालांकि दोस्तों हो सकता है कि अगला एचएलए बन सकता है, जो कि देखा है तो मतलब हम नहीं कह रहे हैं कि 5000 और 4000 पे जाएगा, लेकिन फिलहाल जो मेरा मानना है दोस्तों, हमने रिसेंट में ही वीडियो बनाया था, नेक्स्ट एचएलए बन सकता है। जो हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा। पहला स्टॉक हमारा मझगांव डक है। मझगांव डक की बात करें तो आज के दिन लगभग 12.5% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों आज के दिन देखेंगे तो स्टॉक ने एक नया हाई आप कह सकते हैं 1216 रुपये का लगाया है। इस कंपनी से रिलेटेड मैं रेगुलर वीडियो बनाते रहता हूँ। हालांकि ये कंपनी एक मिड कैप टाइप की कंपनी दोस्तों, 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एचएलए को बीट करना तो कोई मतलब इजी काम नहीं है। हालांकि तो रिटर्न की बात करें तो रिटर्न के मामले में ये कंपनी जो है कि एचएलए को भी बीट कर चुकी है। जैसा कि आप अगर इसके चार्ट को देखें तो 600% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। वही एचएलए की भी बात करेंगे तो सेम आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों वहीं पर अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी का आज भी जो है मतलब वही 600% का, इसके पहले ये भी कंपनी नहीं चल रही थी, इसके बाद तेजी, उसके बाद फिर गिरावट। दोस्तों मतलब कहने का, जितना भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीएसयू सेक्टर के स्टॉक देखने को मिलेंगे, सबका चार्ट आपको एक फ्लैट देखने को मिलेगा, उसके बाद तेजी, उसके बाद फिर गिरावट होने के बाद एक फ्लैट चलता है, फिर सडनली अचानक से तेजी देखने को मिलती है। हालांकि दोस्तों न्यूज़ भी आप देखेंगे तो आज के दिन जो है कि यही आपको स्टॉक जो है कि अमाउंग मतलब जो कि ब्रोकरेज की बात करें तो मतलब देखिए कभी भी स्टॉक कोई टॉप पे रहता है या कोई गिरावट में रहता है दोस्तों, तो उसमें बहुत ज़्यादा अपने को न्यूज आते हुए दिखते हैं। हालांकि यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हर शेयर पे 56 रुपये का मुनाफा मतलब अब तक करा चुका है ये कंपनी, देख सकते हैं, जो कि 286% मतलब 300% का एक साल में जो है कि कंपनी ने रिटर्न बना के दे दिया है। इसी कंपनी से रिलेटेड सारा न्यूज आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे हमारा जो सेकेंड स्टॉक है दोस्तों, कोचीन शिपयार्ड। कोचीन शिपयार्ड की बात करें तो ये भी कंपनी कुछ पीछे नहीं थी, फिलहाल देखा है तो छोटी कंपनी दोस्तों, 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 24-25 का पी है दोस्तों। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि अगर आप जो है कि उसके पी को देखेंगे दोस्तों, मतलब अगर मझगांव डक के पी को देखेंगे तो इसका पी जो है कि 21 का देखने को मिलेगा इतना प्राइस भागने के बाद। और वहीं पर अगर हम इसका बात करेंगे कोचीन शिपयार्ड का दोस्तों, तो आपको 25 का पी देखने को मिलेगा। मतलब देखा जाए तो वैल्यूएशन के मामले में कुछ अपने को जो है कि मझगांव डक हाई देखने को मिलता है, इसके कारण जो है कि इस कंपनी को थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता। मतलब अच्छा लगने का मतलब क्या है दोस्तों कि इस कंपनी में जो है कि आप देख सकते हैं कि तेजी आने के बाद फिर गिरावट देखने को मिलती है। वहीं पर अगर हम 5 दिन की बात करेंगे तो 5 दिन में ये कंपनी जो है कि 3.5% की तेजी, लेकिन हाँ 5 साल की बात करें तो 5 साल में कुछ इतना खास देखने को नहीं मिलेगा, 30% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी ने भी रिसेंट में जो है कि देखा है तो अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया, उसके बाद गिरावट, फिर जो है कि तेजी दिखाया। हालांकि दोस्तों देखिए इस सेक्टर का अगर देखा जाए, जिस सेक्टर में कोचीन शिपयार्ड काम करता है दोस्तों, तो उस सेक्टर का सबसे बड़ा लीडर दोस्तों मझगांव डक है। मतलब कहने का अर्थ है ये दोस्तों कि दोनों का बिजनेस कहा जाए तो सेम ही आप कह सकते हैं। तो इस पॉइंट से देखें दोस्तों, तो मझगांव डक को जो है कि ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। तो इस पॉइंट से देखें तो कंपनी का जो सेल्स रेवेन्यू सारा कुछ आपको जो है कि डाउन देखने को मिलेगा। तो मतलब कंपनी में गिरावट हो रही है तो कोई बहुत बड़ी पैनिक वाली बात नहीं है। ईपीएस भी देखेंगे दोस्तों 55% डाउन है। वहीं पे अगर हम मझगांव डक की बात करें दोस्तों, तो मझगांव डक का आप देखेंगे दोस्तों सब आपको बढ़ते हुए दिखेगा। हालांकि ईपीएस की बात करें तो आपको थोड़ा नहीं दिखेगा, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें हरे निशान में, ईपीएस भी कंपनी ने बीट किया है। मतलब इस पॉइंट से देखा है तो मझगांव डक को जो है कि डायरेक्ट एडवांटेज मिलता है। हालांकि दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ा रिस्की पॉइंट है, रिस्की पॉइंट यही है दोस्तों कि ओएफएस की बात करें तो गवर्नमेंट ने जो है कि एचएलए से पूरा कर लिया, लेकिन इस कंपनी में अभी भी जो है कि ओएफएस आना बाकी है। फिर भी देखा है तो स्टॉक में तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे 16 जून को जो है कि 1216 रुपये का कंपनी ने हाई लगाया। लो की बात करें तो 230 रुपये के आसपास ही कंपनी चल रही थी। वहीं पर अगर हम यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लगभग मतलब कह सकते हैं करोड़ों में शेयर ट्रेड हुए हैं, जो कि देखा है तो मात्र 11% डिलीवरी माल उठाया गया है, 20 लाख टोटल शेयर जो कि डिलीवरी में उठाए गए हैं।
हालांकि दोस्तों जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियो को देखा होगा आज तक, तो हमने जो है कि कोचिन शिपयार्ड को जो है कि सेकंड प्रेफर दिया है। मतलब कहने का दोस्तों यही है कि इस कंपनी को हमने पहले से ही अवॉइड होने की बात कही आपसे, जैसा कि आप अगली वीडियो को हमारे जाकर के देख सकते हैं। वहीं पर अगर हम कंपनी की बात करेंगे तो ये कंपनी 5 दिसंबर 2022 को जो है कि 600-700 रुपये की प्राइस तक जाती है। उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को, हालांकि दोस्तों इसमें भी देखा है तो ये भी स्टॉक एक ट्रेडिंग वाला स्टॉक कह सकते हैं, जो कि लाखों में शेयर इस स्टॉक में भी ट्रेड हुए हैं। हालांकि दोस्तों मझगांव डक के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जानने की जरूरत है, क्योंकि मझगांव डक के ऊपर हमने कई बार डिटेल्स वीडियो बनाया है। वहीं पर अगर हम कंपनी की बात करें तो ये भी कंपनी एक मिड कैप टाइप की कंपनी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो रिस्की पॉइंट है दोस्तों, रिस्की पॉइंट क्या है कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न लगभग 85% का प्रमोटर के पास स्टेक है, जो कि 75:25 का रेशियो फुलफिल करके चलना होगा, जिसमें अगर हम टाइम पीरियड की बात करेंगे दोस्तों तो 4 से 5 महीने का जो है कि इनके पास टाइम भी बचा है, जो इसी पीरियड में हो सकता है दो कि OFS भी ला सकते हैं। हालांकि ROC ROE की बात करेंगे तो बेस्ट देखने को मिलेगा, ये कंपनी प्योर डेट फ्री भी देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर हम कोचिन शिपयार्ड की बात करें, देखिए दोस्तों सबसे पहले बताते हैं ये तीन कंपनियों का बिजनेस देखा है तो सेम ही आपको देखने को मिलेगा, तीनों में जो है कि गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है। लेकिन दो कंपनियों की बात करें तो इनका वैल्यूएशन थोड़ा हाई देखने को मिलेगा। वहीं पर मझगांव डक की बात करेंगे दोस्तों तो थोड़ा आपको कम देखने को मिलेगा। ऐसे में दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो मतलब जो सेल्स ग्रोथ अगर देखा जाए तो इन सारी कंपनियों का इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ मझगांव डक की बात करें तो सब कुछ आपको अच्छा देखने को मिले। जैसा कि आप दोस्तों देख भी सकते हैं कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग होना चाहिए, तो यहाँ पे 13, 12, 17, 37 मतलब कहने का अर्थ कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें दोस्तों 10, 20, 37 और 80 मतलब ये भी कहने का अर्थ है दोस्तों कि कंपनी का अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। CGR की बात करेंगे तो 325% का कंपनी ने एक साल में रिटर्न बना के दिया है। तो इस पॉइंट से देखा तो कंपनी में कुछ गिरावट भी हो जाएगी दोस्तों, मतलब OFS भी लगभग देखा है तो हाई प्राइस पे अगर मान लीजिए डिस्काउंट पे कुछ अवेलेबल हो गया तो कोई एज ए पैनिक वाली भी बात नहीं होगी। हालांकि देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ते हुए दिख रहा है। डेट और रिजर्व्स की बात करें तो ये गवर्नमेंट वाली कंपनी तो इसके ऊपर डेट है नहीं, और रिजर्व्स की बात करें 4,000 करोड़ का रिजर्व्स है। हालांकि दोस्तों वहीं पर अगर हम देखेंगे प्रमोटर के पास 34% का वो तो सब देख ही लिया, लेकिन हाँ FIs की बात करें तो FIs ने कंटिन्यू जो है कि स्टेक को बढ़ाया है। पहले DIs ने दोस्तों माल को सेल किया था और अभी देखा है तो इस क्वार्टर में उन्होंने कुछ बढ़ाया, तो हो सकता है दोस्तों जब प्रमोटर सेल करेंगे तो यहाँ पे कुछ DIs जो है कि माल को एक्युमुलेट कर सकते हैं। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास भी देखा है तो 11% का स्टेक देखने को मिलता है। अभी कोचिन शिपयार्ड में दोस्तों हमको करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जो रिटेस्टर इस कंपनी में फंस गए तो मेरे पॉइंट से आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। हालांकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि दोनों कंपनियों का बिजनेस सेम ही है, तो आज जो है कि मझगांव डक चल रहा है तो आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ मतलब कोचिन शिपयार्ड से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाए, तो कोचिन शिपयार्ड भी कभी आने वाले समय भाग सकता है। तो इस पॉइंट से मेरे पॉइंट से आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। मतलब देखिए दोस्तों कंपनी में निगेटिव अगर कुछ आ गया दोस्तों तो और आते आते मतलब एक ही पॉइंट रहता है कंपनी के जो फाइनेंशियली रहे दोस्तों, फाइनेंशियल बात करें दोस्तों तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता है तो भी कंपनी के ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं। हालांकि जो रिटेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं मेरे पॉइंट से आप चाहे तो अवॉइड कर दें, और अगर कंपनी में गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 500 के नीचे भी ट्रेड कर सकती है। हालांकि अगर हम तेजी की बात करें तो कुछ ज़्यादा चांस नहीं, फिर भी 600 के आसपास या 600 के ऊपर ट्रेड कर सकता है। हालांकि दोस्तों मझगांव डक में जो रिटेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं, देखिए दोस्तों कंपनी तो एकदम टॉप पे है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी एकदम ऑल टाइम हाई पे है। और कंपनी के अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस आने वाले समय में ग्रो होगा, जो कि कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल कंडीशन की भी बात करें तो कंपनी का फंडामेंटली स्ट्रांग ही दिख रहा है, और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सेक्टर में पहले नंबर पर आने की वजह से दोस्तों, तो एक प्रकार से इस कंपनी को मोनोपोली तो नहीं कह सकते, फिर भी देखा है तो एज ए स्टॉक मार्केट के हिसाब से पहले नंबर पर आने की वजह से इस कंपनी को मोनोपोली भी कह सकते हैं। वहीं पर अगर कंपनी की गिरावट की बात करें तो मेरे पॉइंट से देखिए दोस्तों इस कंपनी में निगेटिव एक ही है OFS, जिस दिन वो आएगा तो हो सकता है कि स्टॉक एक हैवी डिस्काउंट पर भी आ सकता है। मतलब मेरे पॉइंट से अगर गिरावट होती तो ये कंपनी 1000 तक भी आ सकती है। हालांकि अगर तेजी की बात करें तो जल्द से जल्द ये कंपनी 1500 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है, जो कि मेरा मानना है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।